हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज अपन खेलने वाले हैं डियो वर्सेस स्क्वाड गेम, और हमारे साथ है किंग भाई। और अपन उतरे है पीक पे, और अपन को उतरते ही मिल गया है तो बहुत खतरनाक गन फार्मस, जिस पे एक बार टैप करने से निकलती है तीन गोली। तीन गोली के बाद बंदे का जो हालत होता है वो क्या ही बताओ, क्या ही हालत हो जाता है। सो लेट्स सी गाइस क्या होता है पीक पे। सो चलो गाइस फटाफट से अपन लूट लेते हैं इस डबल डोर को, उसके बाद चलते हैं हम बंदे को फोड़ने के लिए। अगर जब मैं बंदे को मारता होता तो मतलब क्या ही प्रो वाली फीलिंग आती है, मैं इतना बेकार किसी को कैसे मार सकता हूँ। लेकिन क्या करें, दुख की बात यह है कि इस बार पीक पे कोई भी नेत्र है, और मैं यहाँ पर लूट करके आपको ले चलता हूँ सीधे क्लॉक टावर पर, जहाँ पर मैंने बंदे को बहुत गंदा हेड दिया। मतलब ऐसा हेड कैसे मार सकता है कोई, अपन मारेगा। तुम्हारा भाई कितना प्रो है तुम्हें अभी पता चलेगा। सो गाइस अब हम आ गए हैं क्लॉक टावर पे। क्लॉक टावर पे आने के बाद मेरे पास है दो गन, एक तो है MP5 और एक है हमारा M4A1। और यहाँ पे मेरे को गन स्विच करने का आवाज़ आ रहा है, और पीछे से मेरे को किसी ने स्नाइपर से मारा, बट मेरे को गोली नहीं लगा। इसे समझ सकते तुम्हारा भाई कितना प्रो है, कोई इसको पीछे से ही मार दे तो उसको गोली नहीं लगती। और यहाँ पे अरे यार ये क्या हो गया, मतलब क्या होता है। चलो फिर से अपडेट कर लिया MP5, अब अपन फोड़ डालेगा बंदे को। मतलब अपन कितना प्रो है अब तुमको पता चलेगा। ओ भाई एक सामने बंदा फट से है और बंदा डाउन। मतलब तुम्हें भाई मैंने बताया था ना तुम्हारा भाई कितना प्रो है। एक और है भाई साहब, मतलब क्या है बता, तुम्हारा भाई सस्ता वाला है। अब तुम्हें पता हो तो तीनों को मैंने इतना गंदा है, इसके बाद तुम्हारा को क्या ओपिनियन है कि तुम्हारा भाई कितना प्रो है। मतलब इतना हेड कौन मार, एक गेम में इतना हेड कैसे मार सकता है कोई। नीचे से तू मारता है, मैं तुमको छोड़ेगा सामने से ही। अभी अपन तुम्हारा बदला लेगा, मेरे भाई को तूने मारा अब तुमको छोड़ेगा नहीं, ये सुभाष तुमको छोड़ेगा नहीं। भाग जा कालिए भाग जा, तुम्हें अरे अब कुछ नहीं हो सकता। तुम बहुत गंदा पिलोगे कालिए, बहुत गंदा कालिया पिलोगे तुम। सो अब देखते हैं इस नमूने को। अब देखो इसके बाद देखने के बाद तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है तुम्हारा भाई कितना प्रो है। यहाँ पे चार किल करा और चारों के बंदे को तुम्हारा भाई ने हेड मार। नहीं इसके बाद तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई किस लेवल का प्रो प्लेयर है, नहीं बता दो गाइस बता दो। ग्लूबल लगाता है, ग्लूबल लगाता है, तू ग्लूबल लगाएगा। अब देख अब तुमको मार के खा जाएगा, देख हम तुमको मार के खा जाएगा। चलो एक नेड मारते तगड़ा वाला, इसके बाद जो बंदे का हालत होगा कितना ग्लू वाले इसके पास। सो गाइस अपन ने नेड करा, और अपन ने का नेड भी कभी मिस नहीं करता। मैंने बताया था ना गाइस अपन इतना प्रो है, क्या ही बताऊँ। मतलब क्या ही अपनी तारीफ क्या ही करूँ कि अपन किस लेवल का प्रो प्लेयर है। मतलब इन सब को मारना क्या ही बताओ गाइस, क्या ही बताओ। तुम्हारा भाई बहुत प्रो है, तुम्हारा भाई बहुत प्रो है। सो गाइस यहाँ पे अपन ने करा पूरे मेरी लाज पड़ी, उसमें भी 5 किल और 5 में से 4 को हेडशॉट। हालांकि लास्ट वाले को भी हेडशॉट दिया, बट वो हेडशॉट से काउंट नहीं हुआ। सो चलिए गाइस अब आगे अपन ले चलते हैं आपको, और वहाँ पे दिखाएगा कि कैसे तुम्हारे भाई ने सबको खोपड़ी फोड़ा। अब अपन आ गए ड्रॉप लूटने, और चेक करेंगे कि AWM है कि नहीं। ड्रॉप बिने भी परमिशन खाना शुरू कर दिया, इसमें भी ड्रॉप नहीं। तुम्हारा भाई लैंडमाइन भी क्या खतरनाक लगाते हैं, अगर मैंने लैंडमाइन लगा दिया तो उसने फटना जरूरी है बंदे को। अब देखो जैसे यहाँ पे ये बंदा क्या ही बताओ कि क्या ही लेवल का होता है। एक है और एम मिस और दिया ग्लू वॉल, तुम्हें पता है सही टाइम पर ग्लू वॉल का यूज़ तेरा भाई करता है। अब ये बंदा भी सही टाइम पर ग्लू वॉल का यूज़ करता है, बट गाइस तुम्हारा भाई बहुत प्रो है, उसको भी मार दिया। इसी के साथ हो गए अपन के 7 किल, और आगे देखते कि अपन और कितने किल कर पाते हैं और कितने बंदे का खोपड़ी फोड़ पाते हैं। सो आगे देखते रहिए, बहुत ही ज़्यादा आपको मज़े आने वाले हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा बंदे का खोपड़ी फोड़ने वाला है, तो वीडियो में आगे तक बने रहे। सो गाइस अब आ गए अपन बीमा शक्ति स्ट्रिप पे, तो यहाँ पे भी अपन को मिल गया एक बंदा।
अपन ने MP46 को मारने की कोशिश की, नाकाम कोशिश करी, बट एक हेड में ये बंदा नहीं मरा। फिर जब तुम्हारा भाई M4A1 का हेड मारता है, उसके बाद क्या ही बताओ कि तुम्हारा भाई क्या ही हेड मारता है। चलो यहाँ पे भी एक हेड से किल, और इसको देखो, मतलब इसका क्या ही बताओ, एक क्या ही लेवल का प्रो प्लेयर था। ऐसे प्रो प्लेयर को मैं ऐसे ही मारता हूँ, और इसको देखो, मतलब इसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा भाई कितने लेवल का प्रो है? नहीं, क्या लगता है गाइस तुम्हारा भाई कितना प्रो है? यहाँ पे भी अपन के हो गए अभी तक पूरे 9 किल, और आगे देखते हैं कि अपन और कितने किल कर पाते हैं। सामने अपन को और भी बंदे मिल गए, और अपन का M4A1 का ड्रैग मिस ऐसा कैसे चलेगा, अपन कैसे प्रो बनेंगे? ओ भाई ये क्या था, ये बंदा इतनी स्पीड में कैसे जा सकता है? शायद इस बंदे का लैग है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई बहुत प्रो है, खोपड़ी फोड़ना जानता है सबका। ओ भाई चार बंदे एक साथ स्प्रे कर रहा है, अपन कैसे हैंडल करेगा इसको? अरे भाई इसको भी हेड, बहुत सारा हेड, इसको भी हेड, एक डाउन, ग्लू वॉल। ओ भाई इमोट का बटन क्यों हो जाता है? फिर इसको भी मारेगा अपन, सबको मारेगा, सबको, इसको भी हेड देगा अपन, सबको मारेगा अपन, बारी बारी से मारेगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। ओ भाई ऐसा नहीं ख़त्म होगी, ऐसा कैसे चलेगा? चलो एक और ग्लू वॉल मारते हैं, एक और ग्लू वॉल मार दिया, इसको भी ख़त्म कर दिया। अभी हो गए अपन के पूरे 11 किलो, और आगे देखते हैं कि और कितने किल कर पाते हैं। सो गाइस इसको भी अपन ने डाउन करा, लेकिन अब आपके पास आई ARMO, तो हमको भागना पड़ेगा, नहीं तो ये नल्ले लोग हमें बहुत मारेंगे। गाइस थोड़ा सा आप आगे पीछे, ये बंदा भाई साहब सोच रहा था कि आज तो किल मिलेगा। मैंने बताया था ना तुम्हारा भाई बहुत प्रो है, मतलब ये अपने तरफ आएगा अपने को मारने के लिए। भाई साहब तुम्हें पता नहीं है, जब मैं खोपड़ी फोड़ना स्टार्ट करता हूँ तो क्या ही लेवल का खोपड़ी फोड़ता। सो गाइस अब हो गए अपन के पूरे 12 किल, और आगे देखते हैं कि और अपन कितने किल कर पाते हैं, और बुइया होगा या नहीं वो भी आगे देखे। अब बचे हैं पूरे 3 बंदे, एक माई और 2 अपोनेंट, और अपन को करना है बुइया। इसके लिए अपन एक बंदे का खोपड़ी फोड़ेगा, और खोपड़ी फोड़ने के बाद वो बंदा अब दोबारा वहाँ से निकलेगा नहीं। लेकिन अपन भी बहुत समझदार है, अपन के पास ARMO है, SMG MO नहीं है, उसके पास नहीं जाना, लेकिन दूर से उसको मार रहा है। लेकिन क्या करे, वो बंदा कुछ भी मौका ही नहीं दे रहा, एकदम दीवार से चिपका हुआ है। नहीं वो सोच रहा है कि वो नहीं मारेगा मैं मारूंगा, मतलब क्या ही कर सकते इस बंदे में। हम गाइस यहाँ पे देखो, पीछे से बंदे अपन को मारने लगे, मतलब वहाँ पे था तब इसने फायर नहीं करा, जब इधर मैं इसको मारने आया तो फायर करा। और ये बंदा भी बहुत समझदार था, जब वहाँ पे था तो यहाँ पे छुपा हुआ था, जब यहाँ पे आया तो बंदा नीचे चला गया। लेकिन अपन को करना है भैया, सामने वाले बंदे को देखना है किल, वो भी खोपड़ी के साथ। सो गाइस अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या अपन भैया कर पाएगा, जीरो की क्या अपन भैया कर पाएगा। तो चलिए इधर से हम चलते हैं, साइड से आराम से निकलते हैं। अपन के पास 4 ग्लोबल कोड है, 3 SMG MO है, और पूरे के पूरे 178 ARMO, और 5 के 5 हमारे पास है M500 का MO, और उसके बाद होगा अपन भैया। यहाँ पे एक समझदार व्यक्ति ने लैंडमाइन लगाया है, लेकिन अपन भी समझदार है, उस लैंडमाइन के सामने से आ गया, उस लैंडमाइन को फोड़ा भी नहीं। अब एल शेप पे है पूरे एक बंदा, और इस बंदे का हो जाएगा लोल, क्योंकि इसको पड़ता है बहुत ही गंदा फाइट। ये बंदा यहाँ से सोच रहा था कि ये मेरे को मारेगा, लेकिन अपन ने फायर करा तो ये बंदा डर के अंदर घुस गया। अब अपन करेगा इस पे नेट, तुम्हारा भाई नेट भी बहुत मस्त करता है। अभी देखो, एक नेट करा, 2 नेट करा, 3-4 और कितने नेट करे। ये समझदार व्यक्ति था, इसलिए ये बंदा यहाँ से कूदा। लेकिन अपन पास क्या बताओ कि ARMO था, SMG MO होता तो कसम से इसको फोड़ डालता। अब इस बंदे का होने लगा लोल, पीछे से नेट, सामने से बंदा। अब ये बंदा करेगा तो करेगा क्या, इसी के साथ ये बंदा हो गया शहीद। अब सामने एक बंदा रह गया, और अपन मार के करेंगे भुइया। गाइस हो गया अपन का भुइया पूरे 13 किल के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।